नमस्कार साथियों मेरा नाम है ऋषभ राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हाट और आपका इस समय की न्यूज अपडेट्स वाली वीडियो में हार्दिक स्वागत है तो चलिए अब तक के कुछ मेजर अपडेट्स के ऊपर नजर डाली जाए केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच तीसरे दौरे की बैठक भी रही असफल कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया किसान संगठनों ने सोलह फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है एम की गारंटी के साथ ग्यारह अन्य मांगों को लेकर किसान फिर एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र के सामने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए किसान संगठनों ने सोलह फरवरी को सुबह छह बजे ऐसी शाम चार बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है खबरें ये भी सामने आ रही है कि किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इसी बीच टेंथ और ट्वेल्थ क्लास की बोर्ड परीक्षाएं जो 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक चलनी है कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इसको देखते हुए सी ने नोटिस जारी किया है सी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है की दिल्ली में मौजूदा स्थिति के कारण ये उम्मीद की जा रही है की यातायात संबंधी समस्याएं होंगी जिसके कारण परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में देरी हो सकती है इसलिए सभी छात्र को सलाह दी गई है वे अपने घरों से जल्दी निकले ताकि वे सी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार समय पर पहुंच सके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है और साथ में यह भी कहा गया है कि अगर वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर सकते और कोई दूसरा व्हीकल यूज करना चाहते हैं तो दूसरे रूट के थ्रू अपने एग्जाम सेंटर तक पहुँचे औरंगाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा टू के बिहार फेज टू में औरंगाबाद में गुरुवार को सम्पन्न हुई राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे उन्होंने अपने संबोधन में सौ से अधिक बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया साथ ही बिहार में पलटा पलटी पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार का नाम ही भूल गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की तारीफ में कशीदे गढ़ते हुए कहा की नरेंद्र मोदी अमीरों की बात करते हैं गरीबों की नहीं गरीबों के लिए सोचने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है उनके लिए काम करने वाले नेता राहुल गांधी है राहुल के नेतृत्व में निकाली न्याय यात्रा गरीबों के हक के लिए है मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी ऐड किया कि किसानों का एमएसपी को लेकर आंदोलन चल रहा है लेकिन मोदी उनसे मिलने और बात करने को तैयार नहीं किसानों को रोकने के लिए प्रोटेक्शन वाला कीलेबंदी करंट लगी तार बंदी कर उन्हें सताया जा रहा है खड़गे ने कहा कि अन्नदाताओं को सताया जा रहा है और ये सब मोदी सरकार कर रही है ये तानाशाही कर रहे हैं इनसे कांग्रेस डटकर मुकाबला कर रही है खड़गे ने तर्कों और तथ्यों के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा ही और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खरी खोटी सुना दी पाला बदल के संदर्भ में बहुप्रचलित राजनीतिक मुहावरा का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा की आया राम गया राम की जगह आया कुमार गया कुमार हो चुका है नीतीश अब उस भाजपा की गोद में गिरे हैं जिसके साथ मरते दम तक नहीं जाने की वो सौगात लिए हुए थे वे बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए भाजपा के साथ गए हैं आज आर सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और पूर्व डेप्यूटी सी तेजस्वी यादव रोहतास पहुंची तेजस्वी यादव न सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए बल्कि उनके एक सारथी भी बने इंडिया गठबंधन के हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ तेजस्वी यादव लाल रंग की चार पहिया राहुल गांधी के साथ नजर आए गाड़ी के पीछे की सीट पर कांग्रेस के वरीय नेता मीरा कुमार भी नजर आए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को संविधान संविधान के खिलाफ करार दिया कोर्ट ने कहा कि ये योजना सिटीजन को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है चीफ जस्टिस ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद उन्नीस एक ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है गौरतलब है की चुनावी बॉन्ड योजना को सरकार ने दो जनवरी दो को अधिसूचित किया था इसे राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के मकसद ऐसी राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था हालांकि इसे लेकर विपक्ष दलों ने कई बार शिकायतें उठाई इसी के साथ साथ कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी पब्लिक करने के लिए कहा है इस दिन पता चलेगा कि, कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आर के ऊपर साधा निशाना ममता ने कहा संदेश खाली आर का गढ़ है वहाँ सात आठ साल पहले भी दंगे हुए थे ये संवेदनशील स्थलों में ऐसी एक है मैंने कभी किसी के साथ न तो अन्याय होने दिया है और न ही अन्याय होने दूंगी गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा ममता ने कहा अब तक सत्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया है राज्य महिला आयोग और पुलिस टीम को संदेश खाली भेज दिया गया है महिला पुलिस की एक टीम घर घर जाकर महिलाओं की शिकायतें सुन रही है स्थिति को काबू किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए है लेकिन उनके बेटे का कुछ और ही कहना है उन्होंने कहा है कि उनकी विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ बनी रहेगी उमर का ये बयान फारूक के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा स्पष्ट रही है कि हम सभी सीटों आरोप